हेलो एवरीवन, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट काइंड ऑफ एजेंट। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो हम एक बार उसका मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या था, कि जिसमें कौन से तीन क्या होता है कि एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक थर्ड पार्टी होती है। एजेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी को, वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। कि जिसमें रिलेशनशिप किन के बीच में होगी, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में होगी, एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा थर्ड पार्टी के सामने, वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। अब एजेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या काइंड्स हैं एजेंट की, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी, कि अगर हम अथॉरिटी के एक्सटेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने टाइप के हमारे एजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट है जनरल एजेंट, इज वन एम्प्लॉयड टू डू ऑल द एक्ट कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि जनरल एजेंट क्या होता है कि जैसे उसे एम्प्लॉयड किया गया है, उसे एजेंट बनाया गया है, तो वो सारे एक्ट परफॉर्म करेगा जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया है, वो सारे एक्ट वो परफॉर्म करेगा। वो कौन सा होता है, जनरल एजेंट, कि उसे सारी अथॉरिटी उस एक्ट के रिगार्डिंग मिलेंगी, कि उसे मीन्स सारे एक्ट परफॉर्म करने उस पर्टिकुलर बिजनेस, उस पर्टिकुलर काम के लिए जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, वो क्या होगा, जनरल एजेंट। जैसे मैनेजर ऑफ फर्म, कि एक फर्म में मैनेजर किसे मीन्स मैनेजर किसके बिहाफ पे काम करता है, जो BOD होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके, ओनर ऑफ फर्म के, तो वो मैनेजर जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया, एम्प्लॉयमेंट दी गई है, उसे सारी अथॉरिटी होगी उसे करने की, वो क्या होता है, जर्नल एजेंट। स्पेशल एजेंट, एम्प्लॉयड टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट, जर्नल क्या है, जर्नली वो सारा वर्क करेगा। जर्नल एजेंट को यूजुअली जो नॉर्मली ऑर्डिनरी वर्क होता है वो सारा मैनेज करना होता है, लेकिन स्पेशल एजेंट किसके लिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर वर्क मीन्स पर्टिकुलर एक्ट के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। सो रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन सम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि उसे जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब वो ट्रांजैक्शन, वो स्पेशलाइज्ड वर्क हो रहा होगा, तभी वो क्या होगा, एज अ एजेंट वर्क करेगा, एज अ एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल अ मोटर कार, कि एक सिर्फ मोटर कार को सेल करने के लिए एक एम्प्लॉय है, जो एक तो हमने क्या किया, मैनेजर ऑफ फर्म है, वो मैनेजर तो क्या करेगा, वो ऑल नॉर्मली जो भी वर्क होते हैं वो सबको क्या है, वो जर्नल एजेंट हो जाएगा, कि उस पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो कनेक्टेड होंगे, वो सबको क्या करेगा, उन उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। लेकिन स्पेशल एजेंट क्या है कि उसी के लिए, सिर्फ मोटर कार की जब सेल करनी होगी तभी उसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ओनर को, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट, वोज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड। अब जनरल एजेंट की क्या थी, उस वर्क से कनेक्टेड जितने भी काम है उसकी अथॉरिटी थी, स्पेशल एजेंट की यानी कि जो स्पेशलाइज्ड वर्क आपको करना है उसके लिए अथॉरिटी थी, लेकिन यूनिवर्सल एजेंट की अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ही एंजॉय एक्सटेंसिव पावर्स, कि उसके पास बहुत सी पावर होती हैं टू ट्रांजैक्ट एवरी काइंड ऑफ बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कि वो हर काइंड ऑफ बिजनेस, कैसे भी डिसीजन मेकिंग, कैसे भी मीन्स हर टाइप का जो भी कनेक्टेड है, और अगर नहीं भी कनेक्टेड है, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है अनलिमिटेड, कि वो हर टाइप का जो डिसीजन है या फिर काम कर सकता है किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो होता है यूनिवर्सल एजेंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, वो हमने क्या किया था, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। अब है नेचर ऑफ वर्क, कि वो जैसा काम करते हैं, कौन किस टाइप का काम वो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एजेंट किस टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है मर्चेंटाइल एजेंट, एन एजेंट डीलिंग इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि जो एजेंट बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए काम करता है। एन एजेंट हु हैज़ द अथॉरिटी आइदर टू सेल द गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, कि या तो उसके पास किस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो सेल कर सकता है, या कंसाइन यानी कि किसी और को अपॉइंट करके उसे सेल के लिए कह सकता है कि आपको इतने गुड्स सेल करने हैं। मीन्स मेन मोटिव पीछे क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स और बाय द गुड्स, और बाय कर सकता है और रेज द मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कि मर्चेंटाइल एजेंट मीन्स कंक्लूड करें तो क्या हुआ कि मर्चेंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकता है। वो क्या है, मर्चेंट एजेंट, कि वो किस कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, मर्चेंटाइल एजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ मर्चेंटाइल एजेंट, अब मर्चेंटाइल एजेंट के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फैक्टर,
पोजेशन ऑफ गुड इज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द सेम सेल इन हिज ओन नेम हैज जर्नल लीन यूजली सेल इन हिज ओन नेम। कि इसमें क्या होता है कि हमने मर्चेंटाइल एजेंट क्या होता है, बाइंग और सेलिंग के लिए काम करते हैं, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मर्चेंटाइल एजेंट का वो पार्ट है जिसके अंदर वो सेलिंग करेगा गुड्स की, तो उसे क्या है, उसे ओनरशिप भी दे दी जाती है कि आप अपने नाम से इसे सेल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बताना कि मैम इसे उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ और आप सेल करो, मीन्स उसे पोजेशन ऑफ गुड, ओनरशिप ऑफ गुड क्या है वो ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर वो गुड्स को सेल करता है। ब्रोकर, ब्रोकर क्या होता है, अपॉइंटेड टू नेगोशिएट द मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल एंड परचेज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, नॉट गिवन पोजेशन। फैक्टर में क्या है, हमने ओनरशिप पोजेशन क्या है कर दी, लेकिन वो क्या है, अपने आप को ओनर नहीं बता सकता ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर को पोजेशन नहीं दी जाती, उसे एज अ अपॉइंट किया जाता है कि आप हमारे गुड्स की सेलिंग कराओगे। अपॉइंटेड टू नेगोशिएट एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कि आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कराओगे बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, लेकिन पोजेशन नहीं दी जाती और नॉट इन हिज ओन नेम, और वो अपने नाम से भी नहीं बेच सकता। कमीशन एजेंट बाय एंड सेल एंड रिसीव द कमीशन, कि वो क्या करेगा, उसे भी क्या पोजेशन नहीं दी जाती है, वो उसको गुड्स दिए जाते हैं या फिर उसे गुड्स खरीदने के लिए कहा जाता है सिर्फ कमीशन बेसिस पे, कि हम आपको कमीशन देंगे, आप हमारे बिहाफ पे या तो सेल कीजिए या बाय कीजिए। नेक्स्ट है डेल क्रीडर एजेंट, ये किसका है, ये भी मर्चेंट का ही है। वन हु इज इन कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा कमीशन गारंटीज हिज प्रिंसिपल दैट द थर्ड पर्सन विद whom द एंटर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ द प्रिंसिपल शैल परफॉर्म द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कि ये क्या है, ये वो होते हैं कि मीन्स ये उस टाइप के एजेंट है, मर्चेंट टाइप, जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल को क्या कहते हैं कि जिसने, जिसको इसने ये गुड्स सेल किए हैं, वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विद इन टाइम परफॉर्म करेगा, उसके लिए क्या ये एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते हैं, कि वो आपको मीन्स लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म आपका डेबिटर नहीं रहेगा, वो बहुत ही जल्द आपको आपके पैसे पे कर देगा जितने भी उसने गुड्स खरीदे हैं। इफ द बायर डजंट पे ही विल पे, कि अगर उसने जो बताया है कि उसने जैसे सेल किए हैं वो जल्दी ही पे कर देगा आपके पैसे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दीजिए, और प्रिंसिपल ने उसे एक्स्ट्रा कमीशन दे दी लेकिन फिर बायर ने पैसे पे नहीं किए, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डेल क्रेडर एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे प्रिंसिपल को वो पैसे पे करने पड़ेंगे। नॉन मर्चेंटाइल एजेंट डज नॉट यूजली डील इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, कि मर्चेंटाइल क्या थे, वो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में डील करते थे, लेकिन नॉन मर्चेंटाइल यूजली बाइंग और सेलिंग में डील नहीं करते हैं, दे इंक्लूड इंश्योरेंस एजेंट, काउंसिल, एडवोकेट्स एक्सेट्रा। सो ये यूजली क्या, इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या फिर काउंसलिंग के लिए जो करते हैं एडवोकेट होते हैं, इस चीज़ के काम करते हैं, ये बाइंग और सेलिंग का काम नहीं करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद द काइंड्स ऑफ एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।